इंदौर पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों का संक्रमित होना लगातार जारी है। पूर्वी क्षेत्र के तिलक नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षकों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद पूरे थाने के स्टाफ का कोविड टेस्ट करवाया गया। इसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पूरे थाने को थाना प्रभारी द्वारा सैनिटाइजर भी करवाया जा रहा है। वही उम्र दराज पुलिस कर्मियों का भी खास तौर पर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है, तो पुलिस कर्मी ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पूरे सुरक्षा कवच के साथ ही तैयार होकर फील्ड पर तैनात है। तिलक नगर थाने में पदस्थ दो महिला पुलिस आरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने पूरे थाने के स्टाफ का कोविड टेस्ट करवाया, जिनकी रिपोर्ट आना तो बाकी है, लेकिन थाने में बहुत ही खास तौर पर काम करते समय अपने आप की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं आज थाना प्रभारी द्वारा थाने को सैनिटाइजर भी करवाया गया, लेकिन इंदौर शहर में पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों का संक्रमित होना लगातार जारी है, जिससे पुलिस महकमे में आला अधिकारियों की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैम, थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है, आपके यहाँ भी कोई पॉजिटिव निकले हैं? हमारे यहाँ दो महिला आरक्षक, एक निधि और पुष्पलता आर्य, दो महिला आरक्षक पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने कल टीम को बुलाकर, डॉक्टर्स की टीम को बुलाकर पूरे थाने का सभी का चेकअप भी कराया है, कोविड चेकअप कराया है, और आज मशीन बुलाकर सारे पूरे थाने को सैनिटाइज भी कराया है। और भी कोई रिपोर्ट कुछ आई हो? नहीं, अभी दो पॉजिटिव हैं और अभी रिपोर्ट जो कल टेस्ट हुए हैं वो आना बाकी हैं। हालांकि अभी सभी स्वस्थ हैं, अभी और किसी को ऐसे सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के बतौर बाकी सभी का। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।